Hi guys, good morning. Today my max class. Class first, chapter number 5, exercise number 5. Chapter का name आपको पता है? Numbers 11 to 20. Last class में हमने chapter number 5 की exercise number 4 की थी. इसमें हमें biggest number, smallest number, ascending and descending order के बारे में हमने पढ़ा था. आज हम अपनी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एडिशन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे. यस, नाउ स्टार्ट. इसके लिए हम नंबर लाइन का यूज़ करेंगे. यस, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ की है, वो 11 से स्टार्ट है. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. 10 से 20 तक हमने एक लाइन ड्रॉ किया है. हमारा क्वेश्चन है 12 प्लस 7 इज इक्वल्स टू क्या, हमें फाइंड नहीं है. 12 प्लस 7 इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमें यहाँ फाइंड नहीं है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है. यस, फर्स्ट नंबर है हमारा 12. हम यहाँ लाइन, जो हमारे पास लाइन नंबर्स है, इसमें हम 12 पे सर्कल बना देंगे. हमें इसमें क्या ऐड करना है, 7. इसमें हमें क्या ऐड करना है, 7. यस, हम स्टार्ट करते हैं. नाउ स्टार्ट, ऐड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 12 में हमने क्या ऐड किया, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 में हमने क्या ऐड किया, 7. हमें क्या आंसर गिवन हुआ, 19. क्या आंसर गिवन हुआ हमें, 19. हम यहाँ क्या मेंशन करेंगे, 19 जो हमारा आंसर है हम यहाँ लिख देंगे. 12 + 7 इज इक्वल्स टू 19. यस, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया. इसी से रिलेटेड हम आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. यस, नाउ स्टार्ट. यस, एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द नंबर ऐड द नंबर यूजिंग काउंट ऑन. यस, यहाँ हम नंबर लाइन मेथड का यूज़ करेंगे. हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, जितना आपको सफिशिएंट हो उतनी आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और नंबरिंग इस पर कर सकते हैं. यस, हमें यहाँ बॉक्स दिए हुए हैं. फर्स्ट बॉक्स में हमारे यहाँ लिखा हुआ है 8. क्या लिखा हुआ है, 8. हमें सॉल्व करना है 8 + 4 = 2. 8 + 4 कितना होता है, हमने यहाँ क्या मेंशन दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है. हमें यहाँ 8 + 4 क्या फाइंड होता है वो हम सॉल्व करेंगे. 8 में मैंने 1 ऐड किया तो क्या हो गया, 9. 9 में मैंने 1 ऐड किया तो क्या हो गया, 10. 10 में मैंने 1 ऐड किया तो क्या हो गया, 11.
और 11 में मैंने 1 ऐड किया तो क्या हो गया 12। यस, ऐसे ही आपको दिया हुआ है। ये है 8 में 1, 2, 3, 4 काउंट करेंगे तो क्या आंसर गिवन होगा हमें 12। इसमें हमने क्या ऐड किया था, 1 क्या है 1, 2, 3 and 4। 12 + 4 = 8। 12 + 4 = 12। यस, 8 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमें क्या आंसर गिवन होगा 12। यस, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। नाउ स्टार्ट करते हैं हम इसको। काउंट द क्यूब, काउंट द क्यूब एंड फाइंड द टोटल, फाइंड द टोटल, फाइंड द टोटल। यस, हमें यहाँ कुछ क्यूब्स ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कितने क्यूब्स है 12। फर्स्ट पार्ट में कितने क्यूब्स है हमारे पास 12। ये सेकेंड पार्ट में 1, 2, 3 and 4। सेकेंड पार्ट में कितने क्यूब्स है हमारे पास 4। हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है, एक साथ इनको ज्वाइन करना है। 12 + 4 = कितने होंगे, हम इनको एक साथ काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हमें क्या आंसर गिवन हुआ है 16। ओके, यस, हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, एट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन, यस, हम यहाँ नंबर लाइन्स के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें एक नंबर लाइन दी हुई है, इसे हमने स्टार्ट किया है 7 से, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आप चाहें तो इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, हमारा क्वेश्चन है 9 + 6 = 9 + 6 = 9। हमने यह 9 को ड्रॉ कर लिया, अब हमें इसमें क्या इंक्लूड करना है 6। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। 9 में हमने 6 इंक्लूड किया तो हमें क्या आंसर गिवन हुआ 15। यस, हमें क्या आंसर गिवन हुआ है 15। यस, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस, 14 + 2 हम यहाँ किस पे सर्कल करेंगे 14 पे, हमें 14 में क्या ऐड करना है 2, 1 and 2। 14 में हमने 2 ऐड किया तो हमें क्या आंसर गिवन हुआ 16। हमें क्या आंसर गिवन हुआ है 16। यस, हम एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। नाउ स्टार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एड
द फॉलोइंग एट द फॉलोइंग यस क्वेश्चन वन है टी ओ टी ओ का मीन्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था टी का मीन्स होता है टेंस और ओ का मीन्स फन वन से नाइन तक की जो नंबर्स होते हैं वो वंस में आते हैं और टेन से 99 वाले जो नंबर्स होते हैं वो टेंस में आते हैं यस यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 12 + 4 हमें यहाँ सॉल्व करना है 12 + 4 क्या होता है 12 पहले 2 हम हमेशा जब भी मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं यानी पीछे की तरफ से उनको स्टार्ट करते हैं यस 2, 1 and 2 और क्या है नेक्स्ट 4, 1, 2, 3, 4 हमें इन्हें एक साथ ज्वाइन करना है कंबाइन करना है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 यहाँ क्या गिवन हुआ हमें 6 1 नीचे कोई फिगर नहीं है तो हमें क्या लिखना है यहाँ हम यहाँ 0 भी मेंशन कर सकते हैं 1 और 0 1 होता है हमें क्या आंसर गिवन हुआ है 16 क्या आंसर गिवन हुआ है हमें 16 1 और करते हैं हम यहाँ पे 1 एग्जांपल और आपके लिए 11 + 8 11 + 8 1 नेक्स्ट में है 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8 + 1 9 यहाँ 1 है 0 मेंशन किया 1 आंसर गिवन हुआ हमें 19 यस स्टूडेंट्स आप लोगों को भी अपनी एक्सरसाइज नंबर 5 के ऐसे ही सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैम आप मैम को व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैम से कॉल करके पूछ सकते हैं ओके बाय